हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी फाइन आर्ट फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2024 में, उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है सेकंड पार्ट, उसके 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो जनरल पेपर है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 13/2/2024 को ये पेपर हुआ था। तो आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको जो है टॉपिक्स पता चलेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टाइप से पेपर आता है, जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय पैटर्न के माध्यम से ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने के लिए जाने जाने वाले ओप आर्ट के प्रेरणता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विक्टर वासरेली को। देखिए, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि DTPLSV जो है अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें कहाँ से कौन सा टॉपिक दे दे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये जब आप आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कला का प्राथमिक तत्व क्या है जो किसी कलाकृति में प्रकाश और अंधकार के उपयोग से संबंधित है? तो जो मूल्य है, वैल्यू जिसे बोलते हैं, वो इसका प्राथमिक तत्व है। नेक्स्ट है, कैटलॉग अमृता शेरगिल एन इंडियन आर्टिस्ट फैमिली ऑफ अ 20th सेंचुरी के अनुसार चित्रकला को कौन सा वैकल्पिक शीर्षक दिया गया है? तो ये जो तीन लड़कियों का समूह, जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी टफ है इस बार, जो क्वेश्चन पेपर है ये फीमेल वाला काफ़ी टफ है। तो आपको जो अपनी तैयारी है उसको आप सोच सकते हैं कि आपको किस लेवल पर तैयारी करनी है, कितना आपको अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि DTPLSV का लेवल जो है वो काफ़ी हाई आता है। कई बार क्वेश्चन है वो काफ़ी बिल्कुल बेसिक आते हैं, लेकिन कई इस बार जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। कलात्मक प्रक्रिया में मैक्वेट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये एक जो 3D मॉडल होता है वो होता है एक त्रिआयामी मॉडल। नेक्स्ट है, कलाकार यवेन क्वेल अपने मोनोक्रोमेटिक कृति के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, खासकर किस रंग में पाया जाता है? तो ये ब्लू कलर में पाया जाता है। किसी वस्तु के दूरी या पृष्ठभूमि में दृढ़ता से दूर स्थित होने का भ्रम पैदा करने के लिए परिप्रेक्ष्य में उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अग्र संक्षेपण। अब इसका पता नहीं इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको हिंदी में समझ में ना आए, क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन है तो ये हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इनका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है वो पढ़ते हैं तो जो वर्डिंग है वो उसमें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाती है। तो आप लोग जो है वो इंग्लिश के वर्ड आप लोग पढ़िए, और जब भी कोई मिस्टेक होती है क्वेश्चन में तो इंग्लिश वाला जो वर्जन होता है वही राइट माना जाता है, ठीक है। और परिपेक्ष जो प्रस्पेक्टिव है, इससे लगभग आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सभी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो परिपेक्ष को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं का मुख्य उद्देश्य था? तो गौतम बुद्ध के जीवन और उपलब्धियों की महिमा का जश्न मनाने के लिए, यानी कि जो गौतम बुद्ध की हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, यानी कि पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो वहाँ पर देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट है, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य एक स्वशिक्षित कलाकार ने मुख्य रूप से इनके साथ काम किया। तो इनका जो मीडियम है, उन्होंने स्याही से ड्राइंग और प्रिंट बनाना। नेक्स्ट है, ट्रिस्टन तजारा द्वारा स्थापित कौन सा अवंत गार्डे कला आंदोलन विश्व युद्ध के दौरान उभरा और याचिक और अराजक कलात्मक तत्वों के उपयोग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादावाद। इस क्वेश्चन में पेपर में जो है आपको सभी जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको डिजाइन से ही आपको जो है जितने भी वाद हुए हैं, ठीक है, कला जो वाद हैं उनसे क्वेश्चन, इंडियन आर्ट से क्वेश्चन और एडवर्टाइजमेंट से क्वेश्चन। 10th है, स्वर्ण अनुपात या दिव्य अनुपात एक गणितीय अवधारणा है जो कला और डिजाइन में प्रभावशाली रही है। इस अनुपात की खोज और परिभाषित करने का श्रेय किसी प्राचीन यूनानी गणितज्ञ को जाता है? तो जहाँ पर भी जो स्वर्ण अनुपात आता है, ठीक है, तो ये
यूक्लिड को जाता है। और इसके साथ ही ये याद रखिएगा, ये एक यूनानी गणितज्ञ थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ कौन से मतलब कहाँ से थे, ठीक है, तो यूनान से थे। और स्वर्ण अनुपात जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर यूक्लिड होगा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की पेंटिंग सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो धार्मिक और कथात्मक पेंटिंग। ये आपने देखा होगा कि अजंता की गुफाओं में जो स्टोरी बेस्ड होती है ना, इस तरह से बनाई गई हैं, जैसे जो जातक कथाएं हैं, तो उसमें किसी में जो है महात्मा गांधी के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो दिखाई गई हैं, हाथी वाला दृश्य दिखाया गया है, तो इस टाइप से पूरा स्टोरी वाइज वहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है, कला में हैचिंग शब्द किसे संदर्भित करता है? तो रेखाओं की श्रृंखला का उपयोग करके एक चित्रण तकनीक है, जो हैचिंग का मतलब होता है रेखाओं की श्रृंखला का उपयोग करके जो चित्रण तकनीक बनाई जाती है उसे हैचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुगताई की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला विशेषकर उनके चित्रों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? तो समृद्ध स्वर्ण और पेस्टल रंगों से चित्रित चपटा सचित्र स्थान। कौन सा कलाकार रेडीमेड तकनीक से जुड़ा है, जहां सामान्य वस्तुओं को कला के कार्यों में बदल दिया जाता है? तो ये है मार्सेल ड्यूचैम्प। यहाँ पर आपको वेस्टर्न से भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये रखी गई है लोअर संग्रहालय, जो कि पेरिस में है। जर्मनी राय ने चित्रकला मदर एंड चाइल्ड में किस विशिष्ट ब्रश स्ट्रोक तकनीक का उपयोग किया है? तो ये किया है बोल्ड व्यापक ब्रश स्ट्रोक। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं में मूर्तियों के निर्माण में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये रॉक कट का, पहाड़ी को काट कर जो ये गुफाएं हैं वो बनाई गई हैं। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि इन गुफाओं को जो है ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। इनका निर्माण का जो प्रोसेस है वो ऊपर पहले इनका शिखर वगैरह बना है, ठीक है, फिर इनका तो यहाँ से इस टाइप से इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो गुप्त राजवंश को। अजंता गुफाओं का निर्माण किसी एक पर्टिकुलर काल में नहीं हुआ है, अलग अलग काल में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो माना जाता है गुप्त काल में, कि जो वहाँ पर चित्रण है वो अलग काल में हुआ है और निर्माण अलग काल में हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर गुप्त काल का ही नाम आता है। अजंता गुफाओं के संदर्भ में चैत्य का क्या तात्पर्य है? तो चैत्य आपके प्रार्थना स्थल जो स्थल हैं वो हो गए, और जो विहार हैं वो आपके निवास स्थान हो गए। नेक्स्ट है, 20वीं सदी की शुरुआत में कौन सा कलात्मक आंदोलन उभरा और गहरे रंगों और ब्रश स्ट्रोक के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है? तो ये है अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट है, लीडिंग लाइंस नाम की रचना तकनीक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है गति की भावना उत्पन्न करने और दर्शकों की आंखों का मार्गदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कलात्मक खोज के लिए चीन और जापान की ओर रुख क्यों किया? क्योंकि पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र अखिल एशियाई सौंदर्य बोध को बढ़ावा देने के लिए। बुनियादी डिजाइन के संदर्भ में विषमता समरूपता से किस प्रकार भिन्न है? तो विषमता की विशेषता संतुलन की कमी है, जबकि समरूपता संतुलन प्रदान करती है। काफ़ी बहुत से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ट्रिकी हैं, बहुत से नए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, किसे अक्सर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का संस्थापक माना जाता है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल का कौन सा कलाकार भारतीय कला के लिए भारतीय शैली के विचार में विश्वास करता था और लोक और जनजातीय कला रूपों से प्रेरणा लेता है? तो ये थे जामिनी राय। अच्छा, इन्हें लोक कलाकार लोक आर्टिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। अमृता शेरगिल को किस कलाकृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से स्वर्ण पदक मिला? तो द थ्री वुमेन। किस प्रसिद्ध भारतीय आधुनिकतावादी ने
चित्रकला मदर एंड चाइल्ड बनाई थी। मदर एंड चाइल्ड जो है वो बहुत से आर्टिस्ट ने बनाई है, पेंटिंग भी और स्कल्पचर भी। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा जामिनी राय। क्ले मॉडलिंग में आर्मेचर का उद्देश्य क्या है? तो ये है संरचनात्मक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, बुनियादी डिजाइन में कौन सा शब्द दोहराए गए पैटर्न का वर्णन करता है जो गति और प्रवाह की भावना उत्पन्न करता है? तो जो रिदम है, लय है, उसका वो हो जाएगा यहाँ पर, जो गति और प्रवाह की भावना को उत्पन्न करता है। विश्लेषण करें कि रंग तापमान का चुनाव किसी रचना में रेखिक ज्यामितीय आकृतियों की धारणा को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो गर्म रंग ऊर्जा को उत्तेजित करते हैं जबकि फीके रंग विश्राम का सुझाव देते हैं। रंगों को आपको पढ़ना है कि कौन से रंग का क्या प्रभाव होता है, ठीक है, और कैसी वो जो भावना है वो वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, बुनियादी डिजाइन में रेखीय ज्यामितीय आकृतियों की संरचना में नकारात्मक स्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सकारात्मक आकृतियों पर जोर देना। कौन सा प्रसिद्ध मूर्तिकार अपनी काष्ठ ढलाई के लिए जाना जाता है लेकिन उसने मूल मिट्टी के मॉडल भी बनाए हैं? तो ये थे अगस्त्य रोडिन। नेक्स्ट है, रचना में स्वर्ण अनुपात का उद्देश्य क्या है? तो संतुलन और सद्भाव प्राप्त करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना का एक सामान्य नियम है जिसमें एक छवि को क्षैतिज और लंबवत रूप में तिहाई में विभाजित करना शामिल है? तो ये हो जाएगा तिहाई का नियम। गगनेंद्रनाथ टैगोर की जादूगर के चित्रकला में कौन सी विशिष्ट विशेषता उनके क्यूबिज्म चरण की विशेषता दर्शाती है? तो उनकी जो वास्तुशिल्प रूपों के साथ आकृतियों का संयोजन था उसमें उनकी क्यूबिस्ट चरण की विशेषता देखने को मिलती है, या क्यूबिस्ट का उन पर प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय क्यूबिस्ट कलाकार आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे गगनेंद्रनाथ टैगोर। बाकी ब्राक और पिकासो को जो है क्यूबिज्म का पितामह माना जाता है या उसका संस्थापक माना जाता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस याद करने हैं। नेक्स्ट है, ग्लेज लगाने से पहले मिट्टी को सख्त करने के लिए उसे कम तापमान पर जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बिस्क ज्वालन। बुनियादी डिजाइन के संदर्भ में वक्र आकृतियों की तुलना में कोणीय ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर चर्चा करें। तो कोणीय आकृतियां गतिशीलता और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जबकि जो वक्र आकृतियां हैं वो तरलता शांति का संकेत देती हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन के अगर आप आंसर पढ़ेंगे बिल्कुल ही ईजी है। ये आपको ये पढ़ना है कोणीय आकृतियाँ कैसा प्रभाव देती हैं, वक्र आकृतियाँ कैसा देती हैं, लहरदार जो होती हैं वो कैसा देती हैं, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और आपकी वर्टिकल। तो ये सब आपको पढ़ना है कि इनसे कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप एक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको अगर आप कवर करेंगे और थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे इजीली आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, डैश एक विश्वसनीय अविश्वसनीय प्राचीन जापानिक सिरेमिक तकनीक है। तो जो राकू ज्वालन है ये एक प्राचीन जापानी सिरेमिक तकनीक है। रचना के संदर्भ में तनाव शब्द का क्या तात्पर्य है? तो तत्वों के बीच का संबंध जो दृश्य उत्तेजना पैदा करता है। क्ले मॉडलिंग के संदर्भ में स्लिप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्ले के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। ड्राइंग में साइनोटाइप का उद्देश्य क्या है? मोनोक्रोमेटिक ब्लूप्रिंट का निर्माण करना साइनोटाइप का उद्देश्य है। किस छायांकन तकनीक में धीरे धीरे प्रकाश से अंधकार क्षेत्रों में सहज निरंतर तरीके से संक्रमण शामिल है? तो ये है ग्रेडियंट होता है ना कि उनमें धीरे धीरे प्रकाश से अंधकार क्षेत्रों में मतलब फैलाना उसको एक तरह से। विच शेडिंग मॉडल इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक टू सिमुलेट द वे लाइट इंटरेक्ट विद सरफेस बाय कंसिडरिंग एम्बियंट डिफ्यूज एंड स्पीकुलर रिफ्लेक्शन? तो ये हो जाएगा फोंग शेडिंग। तो कुछ क्वेश्चन हैं बहुत ट्रिकी हैं वो,
तो उन क्वेश्चंस को आप मत उनमें ज़्यादा मत उलझिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन वो आपको हर पेपर में मिलेंगे, तो उससे अच्छा है उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए। उनके पीछे बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप उस टॉपिक को कवर कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, पेपर नज़दीक है, तो आप उस टॉपिक को छोड़िए और जो टॉपिक और हैं, जो कॉमन हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पर आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रेस्टर ग्राफिक इन ग्राफिक डिजाइन। तो इसका हो जाएगा, रेस्टर ग्राफिक कैन बी रिसाइज्ड विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटीज, विल वेक्टर ग्राफिक्स आर रिसोल्यूशन डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपकी ग्राफिक आर्ट से भी क्वेश्चंस हैं। ड्राइंग में पेंटिमेंटो की तकनीक क्या है? कला के किसी कार्य में पहले के चित्रों का परिवर्तनों के दृश्यमान निशान। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ ड्राइंग दैट इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग मटेरियल सच एज स्क्रैचिंग इनटू अ सरफेस। तो स्क्रैच बोर्ड आर्ट। द्रविड़ मंदिर में गर्भगृह के ऊपर बने शिखर को क्या कहा जाता है? तो इसे विमान कहा जाता है। क्लोजर का गेस्टाल्ट सिद्धांत ग्राफिक डिजाइन पर कैसे लागू होता है? तो इसे पता चलता है कि मस्तिष्क के किसी संपूर्ण वस्तु को देखने के लिए लुप्त हिस्सों को भरता है। एलाबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब डिविजन सरफेस इन कंप्यूटर ग्राफिक एंड हाउ दे आर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ स्मूथ एंड डिटेल्ड 3D मॉडल्स। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इट रिलेटिवली रिफाइनिंग क्रॉस पॉलीगन्स मैसेज। नेक्स्ट है, इन ग्राफिक डिजाइन व्हाट डज द टर्म कार्निंग रेफर टू। कार्निंग का मतलब होता है एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर होते हैं ना, ठीक है, जो वर्डिंग होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे कार्निंग कहा जाता है। What does the term anti-aliasing refer to in computer graphics? तो smoothing jagged edges, जो एज होते हैं ना, जो कॉर्नर्स होते हैं उनको स्मूथ करना। नेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य की तुलना में लुप्त बिंदु शब्द किसे संदर्भित करता है? तो वह बिंदु जहाँ समांतर रेखाएँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो होता है लुप्त बिंदु। इन नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज़ द मेन शेप ऑफ शिखर। जो टावर होता है ना उसकी नागर शैली में जो टावर होता है, जो शिखर जिसको बोलते हैं, उसकी शेप क्या होती है? तो ये हो जाएगा टेम्परिंग पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द कलर मोड CMYK प्ले इन द प्रिंटिंग प्रोसेस इन ग्राफिक डिजाइन। तो इसका आंसर है, इट इज़ द कलर मॉडल यूज्ड फॉर फुल कलर पेंटिंग। कौन सा स्मारक अपने केंद्रीय गुंबद और चार मीनारों के सम्मित स्थान के लिए जाना जाता है? तो जो ताजमहल है वो अपने केंद्रीय गुंबद और चार मीनारों के लिए जाना जाता है, यानी जो चारों तरफ एक जैसा स्थान है, ठीक है, और बीच में वहाँ पर गुंबद है उसके लिए ये जाना जाता है, तो ये है ताजमहल। व्हाट डज द टर्म ब्लीड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिजाइन से काफ़ी क्वेश्चन है इस बार, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, एक्सटेंडिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स बियॉन्ड द पेज एजेस। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म रे ट्रैकिंग ट्रेसिंग रेफर टू इन कंप्यूटर ग्राफिक। तो रे ट्रेसिंग क्या है? तो ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट रे इन अ सीन। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया है? तो जो मकराना मार्बल्स है उसका उपयोग करके, उसका जो मकराना मार्बल्स यानी जो मकराना का सफ़ेद संगमरमर है उसका निर्माण और उसका उपयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जेड बफर का उद्देश्य क्या है?
तो जेड बफर का उद्देश्य होता है छिपी हुई सतह का पता लगाना। कौन सी वास्तुशिल्प विशेषता गोल गुंबज को कुतुब मीनार और ताजमहल से अलग करती है? तो जो विस्परिंग गैलरी है, फुसफुसाहट गैलरी, वो ताजमहल, वो उसकी वो विशेषता जो है गोल गुंबज को ताजमहल और कुतुब मीनार से अलग करती है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। गोल गुंबज में जो विस्परिंग गैलरी है, इकलौता ऐसा स्मारक है जहाँ पर ये गैलरी है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है, पशुपति की मोहर किस प्राचीन भारतीय सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा से संबंधित है, ये तो सभी का राइट गया होगा। 1960 में कौन सा कला आंदोलन उभरा जिसमें सरल ज्यामितीय आकृतियां और कलाकृतियों के पीछे की बौद्धिक अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ये था अति सूक्ष्मवाद। नेक्स्ट, कौन सी पहाड़ी शैली अपने रंगों के साहसिक उपयोग, जटिल विवरणों और अक्सर राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम से संबंधित विषयों को प्रदर्शित करने के लिए जानी जाती है? तो कांगड़ा शैली जो है वो, उसमें जो विषय होते थे वो राधा और कृष्ण से संबंधित होते थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा शैली का विषय क्या था, या सर्वाधिक जो है किस पहाड़ी शैली में राधा कृष्ण का की चित्रों को बनाया गया था, तो वो कांगड़ा शैली। ठीक है, तो आपको हर तरह से, आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं लेकिन सिर्फ उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। नेक्स्ट है, विच एंसेंट सिविलाइजेशन इज रिनोव्ड फॉर इट्स इंट्रिकेट पॉवर्टी फीचर फीचरिंग ब्लैक फिगर एंड रेड फिगर टेक्निक? तो जो ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर ब्लैक फिगर और जो रेड फिगर टेक्निक्स है पोइट्री में उनको यूज़ किया गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर सहित सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली फूली थी? तो काश्य युग में फली फूली। इन्हें जो है वो काश्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अमूर्त अभिव्यक्तिवादी आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति कौन थे जो अपनी ड्रिप पेंटिंग तकनीक के लिए जाने जाते थे? बहुत फेमस जो है ये आर्टिस्ट हैं जो अपनी ड्रिप पेंटिंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं, जैक्सन पोलॉक। नेक्स्ट है, बसोहली चित्रकला शैली अपनी विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है। बसोहली चित्रकला में गोपियों के साथ कृष्ण के चित्रण में किस विशिष्ट विशेषता पर अक्सर जोर दिया जाता है? तो ये थे आँखों पर, चेहरे का एक बड़ा हिस्सा घेरे होती थी, यानी जो आँखें हैं वो काफ़ी बड़ी बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, बरोक शैली प्रकाश और छाया के नाटक के उपयोग के लिए जानी जाती है जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा चूरी गुरेस्क। इसका एक बार इंग्लिश में अगर किसी ने दिया हो तो बताना ये, ठीक है, ये वर्डिंग, ये आई थिंक चूरस क्यूरो जो वर्ड होता है, चूरस क्यूरो वो है, ठीक है, इंग्लिश में इसका सही दिया होगा तो ये एक बार आप लोग बताना। इन प्रसिद्ध पहाड़ी चित्रकला को पहचानिए। तो जो राग मेघ है वो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी पेंटिंग है। कौन सा हिंदू मंदिर है जो अपनी प्रसिद्ध अपनी अनूठी द्रविड़ वास्तुकला के लिए जाना जाता है? 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश के द्वारा ये बनाया गया था। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था चोल राजवंश के द्वारा, और ये द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। उपयुक्त माहौल बनाने के लिए चित्रकला राग मेघ में किन वायुमंडलीय तत्वों को दर्शाया गया है? तो तूफान और जो बरसाती बादल हैं उन्हें राग मेघ में दर्शाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों में पाए गए महान स्नान घर का उद्देश्य क्या है? तो अनुष्ठान स्नान। 15वीं शताब्दी के दौरान जैन कला की विशिष्ट विशेषता क्या है जो विशेष रूप से जैन पांडुलिपियों के चित्रों में दिखाई देती है? तो जो जैन कला थी, जो जैन पांडुलिपियाँ हैं उनमें जो सोने का उपयोग किया जाता था यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान मूर्तियाँ बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो ये काश्य का। पहाड़ी चित्रकला शैली भारत में किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में विकसित हुई? तो ये हिमालय की तलहटी में विकसित हुई। शुंग काल के दौरान कौन सी वास्तुशिल्प विशेषता प्रमुख बन गई जिनमें अक्सर नक्काशीदार आकृतियों से सुसज्जित विस्तृत प्रवेश द्वार और रेलिंग शामिल थी? तो ये थे स्तूप। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान मूर्तियां बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था जिनका उदाहरण सारनाथ में प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष यानी कि जो लायन कैपिटल है वो है? तो ये है बलवा पत्थर, यानी कि सिंपली ये पूछा गया है कि जो लायन कैपिटल है वो किस पत्थर से बनाया गया है, तो बलवा पत्थर से। इनका काल आप याद रखिएगा,
ठीक है, सारनाथ में और मौर्य काल में ये बना हुआ है। कौन सी कैमरा सेटिंग किस तस्वीर में क्षेत्र की गहराई निर्धारित करती है? जो अपर्चर होता है वो डेप्थ, किसी भी पिक्चर में जो डेप्थ दिखाने का काम करता है वो होता है अपर्चर का। फोटोग्राफी में बोकेह शब्द किसे संदर्भित करता है? तो किसी छवि में फोकस को बाहर वाले क्षेत्रों की सौंदर्यात्मक गुणवत्ता। 20वीं सदी की शुरुआत में एक क्रांतिकारी कला आंदोलन क्यूबिज्म का प्रेरणा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पाब्लो पिकासो। और अगर इसमें इनके साथ ही ब्राक का भी, अगर पिकासो की जगह ब्राक का नाम आता तो आप वो भी आपका राइट होता। नेक्स्ट है, उत्तरी पुनर्जागरण के दौरान वुड कट तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? तो एल्बर्ट ड्यूरर को वुड कट तकनीक के लिए जाना जाता है। फोटोग्राफी में जोन सिस्टम क्या है जो कि एंसल एडम्स द्वारा विकसित किया गया? तो एक्सपोजर नियंत्रण करना, एक्सपोजर को कंट्रोल करना और उसे डेवलप करने की एक प्रणाली है। इंटरग्लेलियो प्रिंट मेकिंग में ग्राउंड लगाने का उद्देश्य है? तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि प्लेट को जंग ना लगे। नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म इन नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी। हाउ डू आर्टिस्ट कैप्चर एफेमेरल मोमेंट एंड व्हाई इज दिस थीम सिग्निफिकेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट। तो एक्सप्लोर फ्लेटिंग मोमेंट रिफ्लेक्ट द इम्प्रनेंस ऑफ लाइफ। प्रकृति एवं वस्तु अध्ययन में एन प्लीन एयर शब्द किसे संदर्भित करता है? तो विषय से सीधे बाहर पेंटिंग करना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एन प्लीन एयर। विच टूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्रेविंग कार्विंग द इमेज इनटू अ वुड ब्लॉक फॉर रिलीफ प्रिंटिंग। तो चिसेल जो टूल है उसका यूज़ किया जाता है। प्रकृति एवं वस्तु अध्ययन में स्थिर जीवन आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो निर्जीव वस्तुओं को एक रचना में व्यवस्थित करना। फोटोग्राफी में ध्रुवीकरण फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है ग्लेयर और प्रतिबिंब को कम करना। प्रकृति एवं वस्तु अध्ययन में चियरोस्क्यूरो का महत्व है। यह जो वर्ड अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, चियरोस्क्यूरो, इसका महत्व है प्रकाश और छाया की क्रीड़ा। नेक्स्ट, प्रकृति एवं वस्तु अध्ययन में उत्कृष्ट की अवधारणा अक्सर उभारती है। बताइए कि कैसे कलाकार प्रकृति और वस्तुओं के अपने चित्रण में उत्कृष्टता की खोज करते हैं, विस्मयकारी सुंदरता और जबरदस्त भावनाओं का चित्रण करके। रिलीफ प्रिंटिंग में शाही लगाने से पहले वुडकट ब्लॉक की उभरी हुई सतह पर अक्सर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है सल्क। कोलाग्राफी में प्रिंटिंग प्लेट की टेक्चर वाली सतह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या है? तो ये है गत्ता। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वुड कट प्रिंट? तो रेज्ड इमेज। किस प्रिंट मेकिंग तकनीक में चिकने क्रेयॉन्स या स्याही से पत्थर की सपाट सतह पर सीधे चित्र बनाना शामिल है? तो लिथोग्राफी में। नेक्स्ट, उत्कल राम की राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा पेंटिंग किस कला शैली से संबंधित है? तो ये बूंदी शैली से संबंधित है। चतुर्मुखी को भारत में सर्वश्रेष्ठ अखंड स्मारकीय समकालीन मूर्तियों में से एक माना जाता है। किस सामग्री में मूर्तिकार के मुहावरे को प्रदर्शित करती है? तो ये है पत्थर। वुडकट प्रिंटिंग में की ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है ये मल्टी ब्लॉक प्रक्रिया में तराशा गया पहला ब्लॉक है। किस एशियाई देश में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की समृद्ध परंपरा है, विशेष रूप से ओकियो ई प्रिंट के निर्माता? ओकियो ई प्रिंट के निर्माता जो है वो जापान है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रिंटिंग प्लेट इन प्रिंट मेकिंग? तो ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन द डार्क रूम फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ्स? फोटोग्राफ्स को डार्क रूम में डेवलप करने की जो टेक्निक है उसे बोलते हैं डॉगिंग।